सई की इतनी गलतियों, इतनी बदतमीजियों के बाद भी विराट उसका साथ दे रहा है और धीरे धीरे वो अपने परिवार के खिलाफ होता जा रहा है। पता नहीं विराट को उस लड़की की कोई कमी नजर क्यों नहीं आ रही। नजर आएंगी बड़ी मामी, जरूर नजर आएंगी। और बहुत जल्द विराट को भी यह एहसास हो जाएगा कि उसका ऐसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमेशा सई का साथ देना गलत है। और आप देखना, कुछ ही दिनों में विराट हम सबके साथ खड़ा होगा सई की बदतमीजियों के खिलाफ। तेरे मुंह में घी शक्कर, वो दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। और मैं जानती हूँ पत्रलेखा, तुम ही हो जो मुझे वो दिन दिखा सकती हो, क्योंकि तुम ही तो हो जो विराट को समझा सकती हो कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि आज उसने सई को डांटा तो ऐसे लगा कि विराट हमारा बेटा है। उसका बर्ताव ऐसे ही रहना चाहिए। और विराट उस लड़की की हर गलती, हर बदतमीजी के लिए उसे डांटे और हमारा साथ दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी बड़ी मामी, लेकिन फिलहाल आप अपना मन शांत रखिए और प्लीज सो जाइए। मेरे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त मस्त, मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। चलो अब सब सोते हैं, वैसे भी आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। हाँ काफी ज्यादा। नहीं वो मेरा मतलब है, सई भाभी ने आज कितना ज्यादा ड्रामा किया ना, मैं तो बहुत थक गई। थक बैठक लगा लगा के। मैनी आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। ये मोहित को और उसके पापा को देना। जी आई। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम अपने काम से काम रखना शुरू कर दोगी। अरे भाभी आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही। करिश्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर बुक पढ़ना चाहती थी। और अगर तुम्हारा दिल हो तो तुम भी यहाँ रुककर मेरे साथ बुक पढ़ सकती हो। नहीं मैंने तो स्कूल में अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, तो यहाँ क्या पढ़ूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। हाय। तुम लेट हो गए। हाँ वो एन मौके पर एक मीटिंग आ गई थी तो लेट हो गया। पानी बुझ गई लेकिन चिंगारी अभी भी बाकी। इंतजार जनाब का और बहाना किताब का। वावा वावा। टाटो सुट्टो। तुम थक गए होगे, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। बाकी तुम अभी तक सोई नहीं? ओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है पाखी,
तुम सो जाओ, मैं खा लूंगा। विराट, आई एम सॉरी। वो कल और आज जो भी इस घर में हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पे और अपनी गलतियों पे। मैं समझा नहीं पाकी। मैं बिना सोचे समझे बहुत ही जल्द एक नतीजे पर पहुंच गई और शिवानी मौसी को गलत समझ बैठी। कम से कम एक औरत होने के नाते मुझे शिवानी मौसी के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में तो समझना चाहिए था। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप उस अमय को उसके किए की सख्त से सख्त सजा जरूर मिली होगी। शिवान निवास के साथ कोई खिलवाड़ कर सके इतनी ना तो किसी में हिम्मत है ना तो औकात। तुम चिंता मत करो, सो जाओ, कल बात करते हैं। अच्छा तो अब शुरू है इस नाटक का पार्ट टू। ताड़ो सुट्टो। उस समय पे धोखाधड़ी और 420 का चार्ज लगाया, लंबे टाइम तक अंदर रहेगा। सुबह सबके सामने मुझ पर चिल्ला के गए थे ना, अब झेलो मेरी खामोशी। वो तो मैंने अपने वर्दी का लिहाज रख लिया, मैं ऐसा सबक सिखाता उसे जिंदगी भर याद रखता। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सही, कमाल है। सही, अब तुम कुछ नहीं बोल रही। सुबह तो तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया था। वो अमय, उसे गिरफ्तार करवाने के चक्कर में तुम कॉलेज भी देर से गई थी और अभी तुम। सुबह मुझे जो करना था मैंने किया और आपको जो करना था वो आपने किया। अमय को मैं लेकर आई और अमय को गिरफ्तार आपने किया। अब आप पुलिस में है, मुजरिम को गिरफ्तार करना आपका काम है, इसमें बात क्या करूं? सही है, क्या बात कर सकते हम, क्योंकि तुम सीधे मुंह बात कहां करती हो। और सही, मुझे प्लीज ये एक बात समझा दो, ये बार बार किस बात का धौंस जमाते रहती हो तुम? नहीं मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि हर बार तुम ही सही हो और सामने वाला गलत? मैंने कब बोला कि मैं हर बार सही होती हूँ? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बर्ताव में दिखता है। आप ना सही। देखो सही, मैं ना दिमाग से काम लेता हूँ, शांत आदमी हूँ, हर चीज करने से पहले 10 बार सोचता हूँ। मैं भी सोचती हूँ लेकिन मुझे ना एक बार में बात समझ में आ जाती है। आपकी तरह 10 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमसे बात करना ही ना बेकार। कैसी आवाज थी? वही नहीं लगता है विराट के रूम से कुछ। तुम्हें बहुत मजा आता है ना मेरे साथ बहस करने में? मैं बहस कर रही हूँ। मैं आज सुबह कॉलेज से आकर चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी। आप ही ने कहा था कि घर के काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई करो, सीखो, तो मैं बैलेंस करना सीख रही थी। कल मेरा टेस्ट है कॉलेज में, इसलिए पढ़ाई कर रही थी। और फिर घर के काम करने होते हैं, घर के कामों के लिए सुबह जल्दी उठना होगा, उठने के लिए सोना होगा जल्दी, और आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैं
मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा हूं। जैसे कि सही द रिबेल क्वीन मेरे रोकने से रुकने वाली है, सच बताओ सही, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तुम रुक जाओगी? करना तो तुम्हें वही होता है सही जो तुम्हें करना है, जो तुम चाहती हो। ये भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारी इमेज घर वालों के सामने क्या बन रही है। कौन सी इमेज? किस इमेज की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कितनी बार सही, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि घर वालों के सामने बखेड़ा मत खड़ा किया करो, लेकिन तुम सुनोगी मेरी बात नहीं? सबके ताने मुझे सुनने पड़ते, वो भी तुम्हारी वजह से। तो आप वो गुस्सा आई पर निकालोगे? ऐसे सबके सामने आपने उनसे इतने बदतमीजी से बात की, वो क्या था? मैंने आई से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? आई हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती है, पूरे परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, और वो सही है। लेकिन आज जब तुम गलत थी, तुमने बड़ों के साथ बदतमीजी की है, तब भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, वो सही नहीं था। मैं गलत थी और वो लोग सही थे? बाबा, काकू, ओमी काका, आपको पता नहीं? औरों की बात छोड़ो ना, तुम अपनी बात करो सही, अपनी बात करो। तुम बिना किसी को कुछ भी बताए जो मन में आता है वो कर देती हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो। सही, जो तुम्हारे प्लान्स है ना अच्छे हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे दिमाग में है। अब जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, गलत समझते हैं, तब तुम तमाशा खड़ा कर देती हो घर में। और ये सही एक बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। क्या? मैंने कोई तमाशा नहीं किया, बस अमय की सच्चाई सामने लाना चाहती थी। चाहती थी कि शिवानी बुआ खुद उसे सजा दे। और जो तुमने चाहा वो बहुत अच्छा है सही, लेकिन अगर यही बात तुम घर वालों को समझा के करती तो इतना बड़ा तमाशा होता? हाँ, आपके घर वाले तो बड़े समझदार हैं ना, सबकी बात समझते हैं और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अरे उन्हें तो मेरे कॉलेज जाने से भी एतराज था विराज सर, क्या तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करी? करे ना, क्या वो समझे? नहीं ना। अगर आप मेरे लिए आवाज नहीं उठाते ना, तो वो लोग मेरी पढ़ाई और मेरे डॉक्टर बनने के सपने का गला घोट देते। तब आपने जो किया, क्या वो तमाशा था? नहीं ना। तो फिर आज जो मैं कर रही हूं वो तमाशा कैसे? अब मैं सिर्फ शिवानी बुआ को इंसाफ दिलाना चाहती थी, तो इसमें ऐसा भी क्या गलत कर दिया विराट सर जो आप मुझे इतना सुना रहे हैं? सही, you know what? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं रोज पुलिस स्टेशन से घर नहीं आ रहा हूँ, एक अदालत में आ रहा हूँ, जहाँ पर तुम रोज एक नए इल्जाम के साथ तैयार रहती हो मुझसे बहस करने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं आपसे बहस करने का, मैं यहाँ चुपचाप बैठ के पढ़ रही थी, बहस आप ही ने शुरू करी है। अब मुझसे बात करते क्यों है? आपको पता है ना हम बात नहीं करते, हमारी हमेशा बहस ही होती है, तो आपको मुझसे बात करनी क्यों है? बढ़िया बढ़िया, ऐसा ही तो ना, मतलब ये इल्जाम भी मुझ पर लगा है ना, वेरी नाइस। नहीं नहीं, सारी गलती तो मेरी है ना। चलो कम से कम तुम बात तो समझ आई। आप चुप हो जाइए। सही, तुम चुप हो जाओ। खंडोबा, दिन में तो तमाशे चल ही रहे थे, अब रात में भी क्लेश शुरू हो गए, कोई हमें चैन से सोने देगा या नहीं? अश्विनी, अपनी बहू की गलतियां तुम्हें दिखती तो नहीं है, सुनाई भी नहीं दे रही है, दिन भर घर वालों से झगड़ा करती है और रात में अपने पति के साथ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं निनाद, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो फूल झड़ते हैं। सही और विराट कम से कम बात तो करते हैं, हमारी बात झगड़े पे ही शुरू हो जाती है और झगड़े पे ही खत्म हो जाती है। अश्विनी पैनी, अगर कुछ खत्म करना है तो इन दोनों के झगड़े खत्म करो ताकि हम चैन से सो सके। हाँ। अरे जाइए ना, देखिए सांप नेवले की तरह लड़ क्यों रहे हैं। ये पति पत्नी के आपस का मामला है सोनाली, हम लोग उनके बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, छोड़ो ना। बड़ी मामी, मैं देख कर आती हूँ कि क्या बात है। पत्र लिखा, मैंने कहा शायद तुमने सुना नहीं, ये पति पत्नी के आपस का मामला है, ठीक? मैंने सुन लिया है अश्विनी मामी। फिर भी तुम जा रही हो? हाँ, क्योंकि विराट मेरा दोस्त है और वो बहुत थक के काम से वापस लौटा है, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। बड़ी मामी, मैं उसके लिए खाना भी लेकर जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं,
आदमी आए ना, मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी ना उसे पूछने, तूने खाना खाया है नहीं खाया है। वैसे भी मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह से। वो चाहे जितना झगड़ा कर ले, लेकिन अपने पति का ख्याल जरूर रखेगी, उसे भूखा नहीं रखेगी। अश्विनी कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के साथ रात भर लड़ती रहेगी और तुम अपने बेटे को पूरी रात भूखा रखोगी? उत्तर रेखा तुम जाओ, विराट को खाना देकर आओ। जी बड़ी मां। तुम्हें ना इतनी मैं इतनी ईगो है कि तुम अपने खिलाफ कोई बात सुन ही नहीं सकती हो, और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि हर बार मैं तुम्हें बचाऊं, तुम्हारा साथ दूं और तुम्हें कुछ बोलूं भी नहीं। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप मुझे इतना सुना रहे हैं? अगर सुनने में इतनी तकलीफ हो रही है ना तो ऐसी हरकतें भी मत किया करो सही। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बात हर चीज तुम्हें क्यों करनी होती है? कभी एक मिनट के लिए भी तुमने सोचा जो तुम्हारे लिए चीजें कर रहा है उस पर क्या गुजर रही है? ओह, तो आपको लगता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है? हाँ किया है, बहुत कुछ किया है। तो जरा मुझे भी तो बताइए कि आपने क्या किया है, मैं भी तो सुनूं। सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुमसे शादी मैंने की है, उस जगताप के चंगुल से तुम्हें मैंने बचाया है, हिफाजत से तुम्हें यहाँ लाया हूँ मैं, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन किसने करवाया मैंने, तुमने क्या किया मेरे लिए? क्या किया? हर पल हर लम्हा मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी और तुम मुझसे बस शादी भी नहीं करना चाहती थी। आज आप सुबह से मुझे सुनाए जा रहे हैं, मैंने ऐसी भी कौन सी गलती कर दी है? एक गलती हो तो बताओ ना सही। तुम्हारी गलतियों ने और बदतमीजियों ने मेरी जिंदगी में ना हजार परेशानियां खड़ी कर दी है। जो मेरे परिवार के हिसाब से सही है वो तुम्हारे हिसाब से गलत है। तुम औरों की तरह सभ्य और शांत तरीके से बात क्यों नहीं कर सकती हो? क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है। आता तुम्हें क्या है? तमाशा खड़ा करना, बखेड़ा खड़ा करना। सही, तुम कभी नहीं सोचती हो कि तुम्हारे तुम्हारे बर्ताव का असर क्या पड़ रहा है दूसरों पर, मुझ पर। एक इंसान थक कर घर पर आ रहा है, हजार परेशानियां झेल कर आता है, ऐसा नहीं कि उसे दो मिनट प्यार से बिठाऊं, उसे दो मिनट पूछ लूं तुम्हारा दिन कैसा गया। चलो मुझे नहीं पूछने मेरा दिन कैसा गया, तुम तो बता दो तुम्हारा दिन कैसा गया। सही, दो मिनट, बस दो मिनट शांति से मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, इस कमरे में आऊं तो ऐसा लगता है किसी मुजरिम से पूछताछ कर रहा हूं मैं। ओह, तो मैं मुजरिम हो गई आपके लिए। मैंने सोचा गलती कर दी के आऊंगा, तुमसे बात करूंगा, कम से कम हम डिनर कर लेंगे साथ में। लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचने से होता तो सब कुछ अच्छा हो जाता ना यहाँ पर। तो ये तुम्हारा रबर बैंड है ना, इसे भी एक पॉइंट तक खींचते हैं तो टूट जाता है। ये इंसान हूं मैं, अमय का सच सामने लाने के लिए मैंने जो भी किया सही किया, और आप मुझे सही करने पर डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। मेरे आप होते ना तो मेरी तारीफ करते, पीठ दबदबाते, शाबाशी देते। कमल सर जितना महान नहीं हूं मैं, नहीं बन सकता मैं उनके जैसा। हाँ नहीं बन सकते, क्योंकि उनके जैसा बनने के लिए ना आपको बहुत बलिदान करने होंगे, और मैं आपकी तुलना आबा से कर भी नहीं रही, क्योंकि आप मेरे आबा के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। हर किसी को एक नजरे से देखना सही नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रही हो सही। कमल सर की मैं भी उतनी ही कदर करता हूं जितनी की तुम करती हो, लेकिन कमल सर के आगे उनकी बातों के आगे भी एक दुनिया है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है सही। नहीं जानना मुझे कुछ। सिर्फ ये दो ढाई किताब पढ़कर तुम बड़ी इंसान नहीं बन जाओगी, बड़ा इंसान बनने के लिए तुम्हें तमीज तौर तरीके दूसरों की परवाह करना सीखना पड़ेगा। बस विराट सर, और आपने
आपने मेरी किताब को हाथ में कैसे लगाया? और आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं ना, आज तक किसी ने नहीं की, आपने भी नहीं। आप मुझसे ढंग से बात करिए वरना। वरना? वरना क्या सही? घर छोड़ के जाओगी? यही कहना चाहती थी ना तुम? जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।